अब कितने जन्मों तक टंकटी शुरू होगी, चलेगी कहना मुश्किल है, इसलिए हमको हंसी आ रही है। इसी को कबीर साहब वाले सुन रहे थे, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहा जुमान हमार, जाका अगर तो काट है सो फिर काट तो हार। यज्ञार्थे पशुतांग मेधा यज्ञार्थे पशु घातनम यशस्वाम घात इच्छामि तस्मात् यज्ञो वधो वधः। विष्णु पुराण का श्लोक है, इसका भी यही अर्थ है, जिसको हम इस जन्म में काटते हैं वही दूसरे जन्म में काटेगा। कर्म का फल अमिट होता है, इसीलिए ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसके चलते दुख हो। अब इस विषय पर संत सदगुरु चरण सेवी पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज के द्वारा ज्ञानामृत पान करेंगे। आज से कुछ वर्ष पहले दिल्ली में अखिल भारतीय सत्संग हुआ था। एक बार 1996 ईस्वी के आसपास हुआ था, तो उसमें मैं गया था, 96 भी शायद हुआ था। उसके बाद जो इधर हाल में हुआ उसमें मैं दुर्भाग्यवश नहीं जा सका था। तो वहाँ पर बहुत लोग पहुँचे हुए थे और मंच पर बहुत दूर दूर के ज्ञानी ध्यानी विद्वान साधु सन्यासी सब पहुँचे हुए थे। कई धर्म संप्रदाय के साधु सन्यासी पहुँचे हुए थे। वहाँ पर सभी बाबा गणों का प्रवचन हुआ, तो मैं तो जा नहीं सका, न्यूज भी नहीं देख सका, मोबाइल भी नहीं देख सका, कुछ भी नहीं मैं देख सका। तो मेरा वहाँ पर एक आदमी रहता है जो कि वहाँ पर सत्संग में सेवा करता था, भाग लिया था, तो पढ़े लिखे विद्वान है। तो मैं उनसे पूछा कि सबसे अच्छा प्रवचन किन बाबा का हुआ, तो वे बोले कि पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज का सबसे अच्छा प्रवचन हुआ। तो मैं कहा कि उनका सबसे अच्छा प्रवचन हुआ, उनसे और कोई बड़े बाबा सब नहीं थे। कहा हाँ, कई बड़े बाबा सब थे, लेकिन सबसे अच्छा उन्हीं का प्रवचन हुआ। मैं कहा यह कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा, हमने देखा कि गुरु की कृपा उन्हीं पर सबसे विशेष रही, इसलिए गुरु कृपा से उनका प्रवचन बहुत अच्छा रहा। अब इस विषय पर पूज्यपाद प्रमोद जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमय प्रवचन सुनने की कृपा करेंगे। बोली प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। हाँ, विलम्ब तो हो गया है जरूरी, आज 5 बजने पर है, फिर भी थोड़ा देर शांत रहेंगे तो थोड़ा सा सुना पाऊंगा। उस समय तो होगी, अंतिम समय है, जाने का भी लोगों को, दूर दूर से आए हैं, फिर भी थोड़ा देर शांत भाव से अगर रहेंगे तो थोड़ा लाभ ले पाएंगे। इसलिए जरा अंतिम पाली में अंतिम दम लगा कर एक बार जयकार कर लीजिए प्रेम से। बोलिए प्रेम से मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगल माये मंगल करुणो बार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद म
महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोति कछु न बसा, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोति कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, समस्त गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन ही चुके हैं, अभी का प्रसंग ही हो गया है कर्म। कर्म एक शब्द ऐसा है ना कि हर जगह जुट जाता है। सत्संग करना तो खैर और सभी कर्मों से ऊपर कहा गया है। शब्द है सत और संग, जो सत में जुड़े असत्य हटा दे, सर्वोपरि कर्म है। तो सत्संग में आना भी एक कर्म है, सत्संग कराना भी एक कर्म है, सत्संग में सहयोग करना भी एक कर्म है, सत्संग सुनने में सहयोग करना भी एक कर्म है, और सत्संग आकर के गप करना भी एक कर्म है। कौन कर्म है तो सोच सकते हैं। सत्संग सुनना भी एक कर्म है और सत्संग गप करना भी एक कर्म है, दूध पीना भी एक कर्म है, और शराब पी के घुलट रहा है को नलामु कर्म नहीं हुआ, शराब पीना भी एक कर्म है, आम खाना भी एक कर्म है और अंडा खाना भी एक कर्म है, खीर खाना भी एक कर्म है और मांस खाना भी एक कर्म है, जीव रक्षा करना भी एक कर्म है और जीव हत्या करना भी एक कर्म है, उपकार करना भी एक कर्म है और अपकार करना भी एक कर्म है। कर्म का रहस्य बड़ा गहन है। तुलसी यह तन खेत है, शरीरे खेत है, मन बच कर्म किसान, मने किसान है, मने सत्संग में लाता है, अब मने सिनेमा हॉलों ले जाता है, अब मने दूध पिलाता है, मने शराब पिलाता है। कहने का भाव है सत्संग ही जीव रक्षा, मन ही जीव रक्षा करता, मन ही जीव हत्या भी कराता है। दान देना भी एक कर्म है, अब पॉकेटमारी करना कर्म नहीं है, पॉकेटमारी करना भी तो एक कर्म है। तो दान देने वाली पूजा होगी फूल से, तो पॉकेटमारी करने वाले पकड़े उसकी पूजा होगी लाठी से, तो पूजा में अंतर होगी कि नहीं? दान देना भी एक कर्म है, तो पॉकेटमारी करना भी तो एक कर्म है। कहीं कहीं लिखा रहता है मकानों की कर्म की पूजा है, क्या सभी कर्म की पूजा नहीं कर सकते? कौन कर्म हम करें और किस कर्म से हम बचें, किस कर्म से हमारा कल्याण होगा, किस कर्म से उन्नति हो जाएगी? आप एक फोटो खींचे वीडियो बना दो। सुन चुके हैं